हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे JKSSB की तरफ से निकाली गई टेंटेटिव कैलेंडर के बारे में। तो जैसे ही आपको पता है कि JKSSB ने रिसेंटली टेंटेटिव कैलेंडर जो है वो निकाल दिया है, उस टेंटेटिव कैलेंडर के माध्यम से आप देख सकते हो कि आपने जिस भी पोस्ट के लिए फिलअप की है, नोटिफिकेशन नंबर 4 से लेकर 7 2020, देन आपकी नोटिफिकेशन नंबर 1 और 2 2021। तो आज का जो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि कुछ लोगों को इसके पोस्ट के बारे में पता नहीं चल रहा है कि इसके जो कौन कौन सी पोस्ट के एग्ज़ाम कब कब हैं। तो आज आपको मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि 15 जुलाई से लेकर अगस्त 31 तक जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे वो कौन कौन से एग्ज़ाम हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये जो एडवर्टीजमेंट निकाली गई है, इस एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो इसमें बहुत सारी जो है पोस्टें आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारे लोगों ने जहाँ पे फॉर्म फिलअप किए। तो उसके बेसिस के ऊपर मैं आज आपको बताऊँगा कि कौन कौन से एग्ज़ाम जो है कब कब कंडक्ट की जाएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स, जहाँ पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे, ये 15 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक, ये सारे के सारे हम उसी एग्ज़ाम के ऊपर बात करेंगे। आप देख सकते हो जहाँ पे ये नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2021 है, 2 ऑफ 2021 के रिसेंटली आपने देखा होगा 20th जो मई थे उसकी लास्ट डेट थी, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, एक बार इसकी डेट को एक्सटेंड किया गया। तो अगर आप जहाँ पे देखें तो जहाँ तक ये डेट जो देख सकते हो आप, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में ये वैकेंसीज हैं। हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, बाकी आपने इसको एक बार वीडियो को अच्छे तरीके से इसको देखना है। पहले हम बात करेंगे जूनियर स्टाफ नर्स की पोस्ट, देख सकते हो जूनियर स्टाफ नर्स। उसके बाद ट्यूटर की पोस्ट है, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की। फिर देन बात करेंगे हम जूनियर ग्रेड नर्स की पोस्ट है, ये जूनियर नर्स की पोस्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी पोस्ट हैं। फिर जूनियर स्टाफ नर्स की स्पीच थेरेपिस्ट की पोस्ट है, फिर जूनियर लेबॉरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट है, लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट है, ये सारी की सारी आप यहाँ पे देख सकते हो, लेबॉरेटरी टेक्नीशियन की, लेबॉरेटरी असिस्टेंट की, फिर इंजेक्टर की पोस्टें हैं, इंजेक्टर की पोस्ट है। ये एक बार आपको डिवीज़न वाइज मिलेगा, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज मिलेगा, इस तरीके से पोस्टें डिवाइड की गई हैं। ये सारी की सारी आप देख सकते हो जूनियर लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, ये नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं कश्मीर डिवीज़न की। उसके बाद सीनियर लेबॉरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है जूनियर लैब असिस्टेंट की, फिर जूनियर लैब टेक्नीशियन की पोस्ट वैकेंसीज देख सकते हो, फिर रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट आ गई, रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट आपको डिवीज़न वाइज यहाँ पे देखने को मिलेगी। जूनियर थिएटर असिस्टेंट की पोस्ट हैं, फिर आप देख सकते हो जूनियर थिएटर असिस्टेंट टेक्नीशियन की जहाँ पे पोस्ट हैं, OT टेक्नीशियन की, जो सारी आप जहाँ पे देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट वाइज में कुछ आपको डिवीज़न वाइज मिलेगी। जूनियर थिएटर असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं, फिर आपको जूनियर फार्मिस्ट की पोस्ट मिलेगी, जूनियर फार्मिस्ट मेडिकल असिस्टेंट। उसके बाद CSST असिस्टेंट थिएटर असिस्टेंट की जहाँ पे वैकेंसीज मिलेंगी आपको, ये जूनियर फार्मिस्ट की पोस्ट है। फिर आगे आपके एनेस्थीसिया असिस्टेंट की पोस्ट है, FM PHW ANM की ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। फिर है बेसिक हेल्थ वर्कर की आपको जम्मू डिवीज़न कश्मीर की तरफ से वैकेंसीज मिलेगी, ये सारी की सारी आपको देखने को मिलेगी। फीमेल, ये आप देख सकते हो फीमेल MPHW, ये सारी की सारी वैकेंसीज। ये मैं आपको उन पोस्ट के बारे में बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा JKSSB के द्वारा 15 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक। फिर जहाँ पे MM PHW की वैकेंसी है, जो आप देख सकते हो जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोस्टें हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर आपको जूनियर साइकोथेरेपिस्ट की पोस्ट मिलेगी, फिर कारमेंटर की वैकेंसी मिलेगी, टेलर की, जी आपकी लिफ्टमैन की, ये सारी की सारी आप देखते हो। जूनियर इलेक्ट्रिशियन की, गैस पाइप लाइन ऑपरेटर की वैकेंसी है, कारपेंटर की है, असिस्टेंट की, टेलर की, लिफ्टमैन, जूनियर प्लम्बर, जूनियर इलेक्ट्रिशियन, गैस पाइप लाइन ऑपरेटर की, फिर आपको वेल्डर की मिलेगी, फिर बेल्टर के साथ आपको टीन स्मिथ के लिए मिस्ट्री की पोस्ट मिलेगी, जूनियर मैकेनिक टेक्नीशियन की पोस्ट मिलेगी, ये सारी की सारी आप जहाँ पे देख सकते हो। फिर आपकी प्रोजेक्शनिस्ट की पोस्ट आ गई, फिटर की पोस्ट आ गई यहाँ पे, टेलीफोन ऑपरेटर की, इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर हम बात करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसीज हैं, ये आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज देख सकते हो आप जहाँ पे। फिर आपकी दोबारा से डिवीज़न वाइज पोस्टें आ रही हैं, जैसे जूनियर स्टोर कीपर की पोस्ट है, 10 पोस्ट हैं जहाँ पे, एक्सटेंशन एडुकेटर की पोस्ट है, ये आपकी देख सकते हो कश्मीर डिवीज़न और जम्मू डिवीज़न। फिर हेल्थ एडुकेटर की पोस्ट है, टेलीफोन ऑपरेटर की, ECG टेक्नीशियन की, एक्सरे, ये सारे की सारी जितनी भी पोस्टें मैं आपको बता रहा हूँ ये हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की है। उसके बाद आप देख सकते हो जरा जूनियर एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसीज आप देख सकते हो जहाँ पे, डार्क रूम असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेंट की दोबारा से आप देख सकते हो जहाँ पे, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट है, टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट है, टेक्नीशियन की जहाँ पे देख सकते हो आप, आर्टिस्ट, और ये आपको डिवीज़न वाइज जहाँ पे मिलेगी। फिर ये सारी की सारी आपको वैकेंसी मिलेगी जहाँ पे, अगर जहाँ पे देखो तो आपको जूनियर
ऑप्स टेक्नोलॉजी की टेक्नीशियन की पोस्ट मिलेगी जी, आप देख सकते हो यूनियन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की वैकेंसीज को देखने को मिलेगी आपको, ये सारी की सारी आप पोस्टें यहाँ पे देख सकते हो। फिर आगे आपकी यूनियन हेल्थ इंस्पेक्टर की पोस्टें, यूनियन हेल्थ इंस्पेक्टर की पोस्ट के बाद आप देख सकते हो जहाँ पे ये सारी की सारी धोबी की वैकेंसी है डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको मिलेगी। फिर आपको यूनियन इंजीनियर की वैकेंसी मिलेगी, यूनियन इंजीनियर और जूनियन इंजीनियर में मैकेनिकल की आप देख सकते हो फोरमैन की, उसके बाद फोरमैन सीनियर मैकेनिक की, फिर आपकी ड्रिलर की वैकेंसी आएगी, फिर आगे आपके ड्राफ्टमैन की, ड्राफ्टमैन की वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज और डिवीजन वाइज आपको देखने को मिलेगी। फिर आपकी जूनियर लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, आप देख सकते हो कैटलॉगर्स की पोस्ट है लाइब्रेरियन की, फोटो लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, सारी आप देख सकते हो। ये सारी की सारी वैकेंसी आपको मिलेगी लाइब्रेरी असिस्टेंट की, ये डिवीजन वाइज आपको पोस्टिंग देखने को मिलेगी। फिर आपकी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आ गई, बहुत सारे लोग जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूँ जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ सितंबर, ये आगे होगा एग्जाम आपका कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है, कुछ का पहले होगा और कुछ का थर्ड फोर्थ वीक ऑफ, ये आप देख सकते हो जहाँ पे सारी की सारी मैंने आपको बताई। इसमें कुछ एक वैकेंसीज आपकी सेकेंड ऑफ 2021 के अंदर आती है और कुछ आप जहाँ पे देख सकते हो जी आपकी आगे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, इसमें एक पोस्ट इसमें आ रही है स्किल डेवलपमेंट की, जहाँ पे देख सकते हो आप स्किल डेवलपमेंट की जो वैकेंसीज हैं जी आएंगी आपकी थर्ड फोर्थ वीक ऑफ अगस्त, ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ अगस्त में एग्जाम जो कंडक्ट की जाएगी। उसके बाद जहाँ पे आप फाइनेंस की पोस्ट देख सकते हो नोटिफिकेशन नंबर 4 ऑफ 2020 जी, वो फाइनेंस नहीं है, वो आप अकाउंट असिस्टेंट का नहीं समझो, ये दूसरी फाइनेंस की पोस्ट है जी, कौन सी लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट है, जी यूटी कैडर की पोस्ट है जी, आप देख सकते हो यहाँ पे 4 ऑफ 2000। फिर आ गया 6 ऑफ 2020 में हायर एजुकेशन की पोस्ट मिलेगी आपको लाइब्रेरी असिस्टेंट की, ये सारी की सारी आपको मैं जहाँ पे बता रहा हूँ। फिर इसमें मिक्स हैं, मिक्स पोस्टें आ रही हैं थोड़ी, जैसे आपकी लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री फेयर की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, फिर आपकी फर्स्ट ऑफ 2000 इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट की, हॉर्टिकल्चर की, जी आपको डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टीजमेंट की पोस्टें आपको देखने को मिलेगी। ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट किए जाएंगे 15 जुलाई से लेकर अगस्त तक, जी मैं वो एग्ज़ाम के बारे में बता रहा हूँ। फिर भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको कोई किसी पोस्ट के बारे में नहीं पता चल रहा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा, उसमें आपको आपकी जो जितने भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर करूँगा। ये था मेरा आज का एक वीडियो बनाने का पर्पस, आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।